नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव की उपासना का इतिहास वास्तव में कितना पुराना है यह कोई नहीं जानता है, किंतु हमें शिव की उपासना का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक मिलता है और वास्तव में तो यह इससे भी कई हजार साल पुराना है। हो सकता है कि यह सृष्टि के आदिकाल से चल रहा हो। सतयुग वैष्णव भक्ति आंदोलन की बात तो हर कोई करता है, किंतु हम शैव भक्ति की बात कम करते हैं। अगर हम शैव संप्रदायों की बात करें तो इन्होंने भक्ति के साथ साथ विज्ञान में भी बहुत अधिक कंट्रीब्यूट किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि महाकाल की नगरी उज्जैन से ही 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। आज के समय में भारत का समय दिल्ली से तय किया जाता है, किंतु मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में यह समय उज्जैन से तय किया जाता था। इसीलिए आज वहां पर वैदिक घड़ी स्थापित की गई है जो वैदिक काल गणना के अनुसार समय बताएगी। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम शैव दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे व साथ ही शिवम के अर्थ को भी जानेंगे। साथियों, शैववाद में कई संप्रदायों ने जन्म लिया व उनकी शिव उपासना की पद्धतियां भी अलग अलग है। कुछ संप्रदायों ने भक्ति का मार्ग चुना, कुछ ने ज्ञान का मार्ग चुना, तो कुछ ने तंत्र साधना का मार्ग चुना, किंतु सभी का लक्ष्य एक ही था और वो था शिवत्व को प्राप्त करना। साथियों, शैववाद की जो पूजा पद्धतियां हैं उनकी प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में भी छोटे छोटे अनेक शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिसको देखकर हम मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग भी भगवान शिव की उपासना करते थे। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। वहीं पर यजुर्वेद की वाजसायनी संहिता में शिव को सृष्टि का सर्जन व विनाशक कहा है। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें सहस्त्राक्ष कहा गया है। वह बताया गया है कि रुद्र सर्वत्र है, जल अग्नि औषधि वनस्पति और समस्त भूतों में शिव ही है। उन्हें आकाश और अंतरिक्ष का स्वामी कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें भव स्वर्ग और पृथ्वी का ईश कहा गया है। उनकी उपस्थिति आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष और दिशाओं में सर्वत्र मानी गई है। वे भव के रूप में पूर्वी प्रदेश के अंतर्वर्ती स्थान में, सरो के रूप में दक्षिण में, पशुपति के रूप में पश्चिम में, उग्र के रूप में ऊपर और रुद्र के रूप में भूतल, महादेव के रूप में ऊपर और ईशान के रूप में अंतरिक्ष में व्याप्त है। अतः संपूर्ण सृष्टि में उनका विस्तार है तथा समस्त जगत उनके निर्देशों से संचालित होता है। साथियों, इसके अलावा रामायण व महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी भगवान शिव की उपासना का वर्णन देखने को मिलता है। उत्तर प्राचीन काल में शैववाद विभिन्न संप्रदायों के रूप में विकसित हुआ। तो चलिए साथियों, शैववाद के इन विभिन्न संप्रदायों के इतिहास को जान लेते हैं। साथियों, शैववाद के विकास के साथ ही शिव के विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले वर्गों का भी विकास हुआ, जो अपने विचारों, मतों और सिद्धांतों के अनुसार शिव की उपासना करते हैं। धीरे धीरे ऐसे उपासकों के पृथक वर्ग बन गए जो स्वतंत्र शैव संप्रदायों के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जो इस प्रकार हैं: शैव सिद्धांत, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, वीर शैव अथवा लिंगायत, कश्मीरी शैव सिद्धांत अथवा त्रिकदर्शन, नाथ संप्रदाय तथा योगिनी कोल मार्ग। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इन सभी का इतिहास हम जान लेते हैं। सबसे पहला है शैव सिद्धांत। इस मत के अनुयायियों की दृष्टि में सृष्टि अथवा जगत के तीन रत्न है, शिव, शक्ति और बिंदु। कर्ता शिव है, कारण शक्ति है और उपादान बिंदु है। इसके अलावा शिव की दो शक्तियां मानी गई है, समवायिनी और परिग्रह रूप। समवायिनी शक्ति निर्विकार और चिद्रूपा है तथा परिग्रह रूपा शक्ति अचेतन और परिणामशालिनी है, जो बिंदु कही जाती है। बिंदु भी दो प्रकार के बताए गए हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध बिंदु महामाया है और अशुद्ध बिंदु माया है, और दोनों भिन्न भिन्न जगतों के उपादान का कारण है, महामाया सात्विक जगत की और माया प्राकृत जगत की। इस मत के चार पाद और तीन पदार्थ हैं, विद्या, क्रिया, योग और क्रिया। ये चार पाद हैं, पति, पशु, पांस, ये तीन पदार्थ हैं। पति का अर्थ शिव से लिया गया है, जो स्वामी है। शिव सर्वज्ञ है, स्वतंत्र और ऐश्वर्य संपन्न है। वे सर्वद्रष्टा और कर्ता है। पशु का व्यवहार जीवात्मा से लिया गया है, जो अणु या सूक्ष्म है, सीमित शक्ति से समन्वित और परिच्छिन्न है। वह नित्य, अनिष्क्रिय और सर्वव्यापी है। पास यानी बंधन के हट जाने पर वह शिव रूप होकर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न हो जाता है। अतः मुक्त और बंधनहीन जीव शिव है, और यही शिवोम का अर्थ है। पांस का अभिप्राय बंधन से है, जिसके द्वारा शिव रूप होने पर भी जीव को पशुत्व की प्राप्ति होती है। पांस के चार प्रकार बताए गए हैं, मल, क्रम, माया और रोध शक्ति। इस मत के अनुसार उपासना मार्ग यही है कि पशु यानी जीव को पास यानी बंधन से मुक्त होने के लिए साधना करनी पड़ेगी, जो क्रिया से ही संपन्न है। बंधन से मुक्ति न ज्ञान से संभव है, न कर्म से संभव है, बल्कि वह क्रिया द्वारा ही संभव है। जीव तो वस्तुत्व शिव रूप ही है, किंतु पासों के कारण वह बंधन से जकड़ा रहता है। अतः क्रिया के माध्यम से ही जीव को मुक्ति मिलती है। संध्या उपासना, मंत्र सिद्धि, पूजा, जप, हवन, आनंदाभूति के लिए नैमित्तिक कर्म आदि क्रिया से संबंधित है,
जो शिव की उपासना अथवा साधना का मार्ग है, जिसके अनुगमन से जीव पासों से मुक्त होकर शिव बनता है। साधक को शिव स्वयं आचार्य बनकर दीक्षा देते हैं और सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाते हैं तथा स्वयं का शिव रूप हो जाना ही शिवोहम है। दूसरा संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। यह द्वैतवादी दर्शन है। इस सिद्धांत के अंतर्गत पांच पदार्थों कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत को स्वीकार किया गया है। कार्य उसे कहा गया है जिसमें स्वतंत्री शक्ति ना हो, यानी कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, उसका कोई कर्ता होगा। और यह तीन प्रकार का माना गया है, विद्या, अविद्या, अविद्या को कला भी कहा गया है, और पशु। कार्य के अंतर्गत ही जीव और जड़ होते हैं। जीव यानी पशु का गुण विद्या है, जो दो प्रकार की है, बोध और अबोध। जीव की बोध स्वभाव वाली विद्या चित है तथा धर्म और अधर्म से मुक्त विद्या अबोध है। दूसरा है कारण। कारण वह तत्व है जो समस्त वस्तुओं की सृष्टि और संहार के साथ अनुग्रह प्रदान करता है। वही परमात्मा है जो अपना अपरिमित ज्ञान और प्रभु भक्ति जीवों को प्रत्यक्ष कराता है और उनका पोषण करता है। इसीलिए उसे पति की संज्ञा दी गई है। पति के रूप में वह ज्ञान और क्रिया की शक्तियों से संपन्न होता है और पूर्णतः स्वतंत्र होते हुए वह आद्यकर्ता और ऐश्वर्यवान के रूप में रहता है। उसमें शक्ति और कर्तव्य का तदात्म्य रहता है तथा वह स्वतंत्र कर्ता कहा जाता है। तीसरा है योग। योग वह है जिसमें चित्त के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित होता है। योग के दो प्रकार बताए गए हैं, क्रियात्मक जप, तप, ध्यान आदि क्रियात्मक योग है, और दूसरा है अक्रियात्मक, क्रिया की निवृत्ति, अनुभव और तत्व ज्ञान ही अक्रियात्मक योग है। चौथा है विधि। विधि वह साधक व्यापार है जिससे जीव को महेश्वर की प्राप्ति होती है, यानी विधि के द्वारा ही महेश्वर की प्राप्ति बताई गई है। पांचवा है दुखांत। दुखांत का अभिप्राय है दुख का अंत, अर्थात दुखों से अत्यंत निवृत्ति रूपा मुक्ति। दोषों के कारण जीव बंधन में रहता है। ये दोष पांच प्रकार के बताए गए हैं। पहला है मिथ्या ज्ञान, दूसरा है अधर्म, तीसरा है शक्ति हेतु यानी शक्ति की इच्छा करना, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना यानी विषयों में आसक्ति और संपर्क। चौथा है चयुति यानी रुद्रत्व से चित्त का चयुत हो जाना, यानी मन का शिव से हट जाना ही चयुति है। और पांचवा है पशुत्व, अल्प ज्ञान आदि पशुत्व के उपादक धर्म है। तीसरा संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने गए हैं, जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी भैरव को ही सर्जन और संहार करने वाले मानते हैं। ये लोग सुरापान करते हैं और समाज में घृणित पदार्थ ग्रहण करते हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से इनकी ज्ञान शक्ति तीक्ष्ण होती है। साथ ही ये लोग सर्वदा भैरवी से आलंगित रहने का समर्थन करते हैं। सिर पर जटाजूट, गले में रुद्राक्ष माला, शरीर पर शमशान भस्म, हाथ में नर कपाल धारण करना कापालिकों के प्रधान लक्षण है। इनका मत है कि छह मुद्रिकाओं के प्रयोग से बघासन पर बैठकर परब्रह्म आत्मा का चिंतन करने से मुक्ति संभव है। इस संप्रदाय के अनुसार कंठिका, रूचक, कुंडल, शिखामणि, भस्म, यज्ञोपवित इन छह मुद्रिकाओं को धारण करने से मनुष्य आवागमन यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कापालिकों के ही वर्ग कहे गए हैं, किंतु कालामुख कापालिकों से भी अधिक अतिवादी और भयंकर प्रवृत्ति के थे। नर कपाल में भोजन करना, जल पीना, सुरा पीना तथा नर शव का भस्म शरीर पर लगाना आदि कार्य इनकी अति मार्गी प्रवृत्ति स्पष्ट करते हैं। पांचवा संप्रदाय है वीर सेव अथवा लिंगायत संप्रदाय। साथियों, दक्षिण भारत में सेव धर्म का अत्यधिक प्रचार और प्रसार हुआ, जिससे वीर सेव अथवा लिंगायत संप्रदाय का बहुत तेजी से विकास हुआ। इस दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार कर्म की प्रधानता बताई गई है और यह कर्म निष्काम कर्म होने चाहिए, जिसमें फल की इच्छा न की जाती हो, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। दूसरा इनका सिद्धांत है शिव परम तत्व है जो पूर्णतः अहंता और स्वतंत्र है और उनकी परिभाषा स्थल शब्द से की जाती है। तीसरे इनके सिद्धांत में लिंग के तीन भेद बताए गए हैं, भावलिंग, प्राणलिंग और इष्टलिंग। परम तत्व भावलिंग है, सूक्ष्म तत्व यानी आत्मा प्राणलिंग है और स्थूल यानी सृष्टि इष्टलिंग है। छठा संप्रदाय है कश्मीरी सेव सिद्धांत तथा त्रिक दर्शन। साथियों, कश्मीर में जिस सेव दर्शन का विकास हुआ वह अन्य सेव सिद्धांतों से कहीं अधिक उपयुक्त और मानवीय माना गया है, क्योंकि बाकी जो पहले जो सेव सिद्धांत बताए गए हैं उनमें सारे असामाजिक कार्य किए जाते थे, जैसा कि मदिरा पान, सुरा पान, भस्म रगड़ना, कपाल में भोजन करना, वो सभी घृणित कार्य इस संप्रदाय में निषेध किए गए हैं। तथ्य इस सिद्धांत को त्रिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्शन अद्वैतवाद की बात करता है। इस कश्मीरी सेव दर्शन में पाशुपत
कापालिक और कालमुख के आचारों और व्यवहारों का अभाव है। मांस मदिरा मैथुन खोपड़ी में आहार ग्रहण करना, शमशान की राख अपने शरीर पर मलना तथा मनुष्य और पशु की बलि चढ़ाना जैसे अभिचार इस दर्शन में नहीं है। इस दर्शन में ज्ञान और ध्यान को परब्रह्म की प्राप्ति का आधार माना गया है। इस दर्शन की 3 शाखाएं हैं, आगम शास्त्र, स्पंदन शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। इस संप्रदाय के 2 प्रधान ग्रंथ है, शिव सूत्रम और स्पंद कारिका। साथियों, प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवर्तक सोमनाथ जी थे। उनके प्रमुख शिष्य का नाम था उदयाकर तथा प्रशिष्य का नाम था अभिनव गुप्त। और इन अभिनव गुप्त जी ने ही इस कश्मीरी सेव संप्रदाय को, सेववाद को आगे बढ़ाया। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मूल आशय है कि सब कुछ शिव है, शिव की ज्योति से हम सब उद्भासित हैं, सब शिवमय है। जब यह ज्ञात कराया जाता है कि हम शिव हैं, तब हम अपने को शिव समझने लगते हैं। यही स्थिति प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कश्मीरी सेववाद के अनुसार परम तत्व अद्वैत परमेश्वर है, जो शिव और शक्ति का तथा कामेश्वर और कामेश्वरी का समन्वित रूप है। इस दर्शन में 5 शक्तियां बताई गई है, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, और इन्हीं से सृष्टि का सर्जन होता है। हमने पहले बात की थी कि यह दर्शन अद्वैतवाद को मानता है। साथियों, एक अद्वैतवाद का सिद्धांत आदि शंकराचार्य जी ने भी दिया था, किंतु कश्मीरी सेववाद के अद्वैत और आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत में थोड़ा अंतर है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य जी के मत के अनुसार या अद्वैत के मत के अनुसार ये केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये जो जगत हमको जो भाषित हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, यह मिथ्या है, यह वास्तव में नहीं है, यह हमें अज्ञानता के कारण दिखता है और यह अज्ञानता का कारण माया है। वही कश्मीर सेववाद ब्रह्म को तो सत्य मानता ही है, किंतु इस जगत को मिथ्या नहीं मानता है, बल्कि जगत को ब्रह्म की एक शक्ति माना गया है। इस दर्शन के अनुसार जब परमेश्वर के हृदय में सृष्टि की इच्छा होती है, तब उसके 2 रूप हो जाते हैं, शिव रूप और शक्ति रूप, और दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। शिव को अपने प्रकाश का ज्ञान शक्ति के कारण ही होता है और तब ही सृष्टि का सर्जन होता है। इस दर्शन के अनुसार जीव वास्तविक रूप में शिव होता है, उसमें ज्ञान और भक्ति की सत्ता है, किंतु अज्ञान के आवरण के कारण वह अपनी वास्तविकता नहीं जान पाता है, और जब यह आवरण हटता है तब वह शिवोहम कहता है, अर्थात मैं ही शिव हूँ, और यही शिवहम का अर्थ है। साथियों, ऐसा ही एक कथन हमको उपनिषदों में भी देखने को मिलता है, जो अहम ब्रह्माष्टमी है। अहम ब्रह्माष्टमी का अर्थ भी यही होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। सेम उसी प्रकार शिवोहम का भी अर्थ है कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो शिव चेतना हूँ, बस अज्ञानता के कारण वो चेतना छुपी हुई है या संकुचित रूप में है। साथियों, सेव संप्रदाय में 7वां संप्रदाय है नाथ संप्रदाय अथवा योगिनी कोलमार्क। इस संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में माना गया है। इसके पहले नाथ स्वयं भगवान शिव माने गए हैं। मच्छेंद्र नाथ जी ने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने योगिनी कोल नामक एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र नामक उनके ग्रंथों में योगिनी कोल सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार शिव का नाम अकुल है तथा उनकी शक्ति को कुल कहा जाता है तथा इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का सृजन होता है। साथियों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।